Question number 12 is saying two SHM are represented by following equation y1 equals to 10 sine omega t and y2 equals to 5 sine omega t minus c cos omega t. Now, if the displacement amplitudes are equal, then the value of c is. Basically, हमें दो SHM का equation दिया हुआ है. एक equation 10 sine omega t है और दूसरा equation दो SHMs का combination है. इन दोनों SHM की एम्पलीट्यूड सेम है तो हमें सी का वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना है. अगर हम यहां पर देखें तो सेकंड वाले इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए. अगर सेकंड वाले इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लोग लिखेंगे y2 इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस, या इसको ऐसा लिखा जा सकता है y2 इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस 5 सी कॉस ओमेगा टी. अगर हम लोग यहां पर इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2, तो लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी. अच्छा, कॉस ओमेगा टी को हमें इस तरीके से रिप्लेस करना है ताकि दोनों के फेजेस कैंसिल आउट हो जाए. अगर यहां पर देखें तो यहां पर हमें लिखना चाहिए 5 साइन ओमेगा टी माइनस 5 सी साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी. नाउ साइन इज एन ऑड फंक्शन, हम लोग इस माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं क्योंकि हमें दोनों साइड ही प्लस साइन चाहिए होता है. तो हम इसको लिख सकते हैं 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. नाउ दीज आर टू SHM जिनके बीच में फेज डिफरेंस इज बेसिकली पाई बाय 2. अगर हम इसको 5 बोलते हैं तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 5c. अगर हम यहां पर इनका नेट एम्पलीट्यूड देखें तो इनका नेट एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल टू 10, तो इनका नेट एम्पलीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10. मतलब 25 प्लस 25 सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 100. दिस विल कैंसिल आउट दिस बाय 4 टाइम, मीन सी स्क्वायर इज नथिंग बट 3, विच मीन सी इज नथिंग बट अंडर रूट 3, विच इज बेसिकली ऑप्शन नंबर बी.